नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। यूपी निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए मेरठ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को साफ पार्टी कहा तो चाचा शिवपाल यादव ने उन्हें करारा जवाब दिया। क्या कहा शिवपाल यादव ने, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। शिवपाल यादव ने सिराथू सीट पर केशव प्रसाद मौर्य को मिली हार का जिक्र करते हुए उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया और कहा कि इसी समाजवादी पार्टी ने उन्हें सिराथू में निपटाने का काम किया है। दरअसल मेरठ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि सपा अब साफ पार्टी हो चुकी है, सपा का कोई भविष्य नहीं है, सपा की साइकिल पंचर हो चुकी है, उनके साथ जो जाएगा वो भी जानते हैं कि सपा डूबेगी तो वो भी डूब जाएंगे, इसलिए कोई उनके साथ नहीं जाएगा। उनकी साइकिल का पंचर अब जनता नहीं लगाने वाली है, सपा अब समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर पलटवार करते हुए शिवपाल यादव ने बेहद दिलचस्प तरीके से जवाब देते हुए तंज कसा और कहा कि केशव मौर्य को सिराथू में जो हार मिली उसके पीछे समाजवादी पार्टी ही थी, आज भी वो टीस केशव प्रसाद मौर्य को चुभ रही है। शिवपाल यादव ने ट्वीट किया कि सरकार को सपा ने ही सिराथू में निपटाने का कार्य किया है, यकीनन कमल की लहलहाती फसल का आने वाला कल खतरे में है। आप अपने भविष्य की चिंता करें सरकार, क्योंकि सिराथू का जो किस्सा है उसमें साइकिल का ही हिस्सा है, शायद इसी किस्से की टीस है जो अभी तक चुप रही है। आपको बता दें कि पिछले साल हुए यूपी विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को सपा उम्मीदवार और अपना दल कमेरा वादी की अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने हरा दिया था। हालांकि चुनाव में हार के बावजूद बीजेपी ने एक बार फिर से केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से लगी हुई है, इसी बीच बयानबाजी भी जमकर हो रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला तो चाचा शिवपाल यादव ने भी केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार करते हुए तंज कसा और कहा कि केशव मौर्य को सिराथू में जो हार मिली उसके पीछे सपा ही थी, आज भी वो टीस केशव मौर्य को चुभ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।